हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद रिविजन एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे इज द पार्ट थ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सो वी हैव डिस्कस मेनी एमसीक्यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वी हैव सीन अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यूज आल्सो तो फाइव सीरीज एमसीक्यूज हैव अपलोडेड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैंने कंप्लीट प्ले बनाई है वहाँ से जाके आप सारे एमसीक्यूज देखें आपके बहुत सारे कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो जाएंगे तो फिलहाल हाँ आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट थ्री के बारे में जिसमें हम कॉस्टिंग के और थोड़े एमसीक्यूस पढ़ेंगे जिससे आपके काफी सारे कंसेप्ट अभी क्लियर होंगे तो क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने अंडर विच सिस्टम टू सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर तो कौन से बेसिस पे दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द तो रिमेंबर जहां पे दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और अगर सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम ठीक है ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू द वैल्यू ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड इज कॉल्ड एज दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो वैल्यू ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड ऐसा काम जो किया है लेकिन अब तक उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला उसे क्या बोला बोला जाएगा वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड बोत एंड बी नन ऑफ द अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा दिस इज कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला है दैट इज पी वी आर तो पी वी आर का कौन सा फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इन टू हंड्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इन टू हंड्रेड और ऑल ऑफ द अबाव तो ध्यान रखना इसका है इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबाव इफ यू रिमेंबर मैंने आपको एक फॉर्मैट बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलता है प्रॉफिट तो so, आपको याद रखना है अकॉर्डिंगली कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा तो पहला पॉइंट क्या बोलता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन ही आएगा पी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू हंड्रेड और जब आपको दो पीरियड्स दिए होंगे दो साल दिए होंगे तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू हंड्रेड तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हम फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट प्लस करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट में अगर प्रॉफिट प्लस करेंगे तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है और पॉइंट नंबर सेकेंड तो आपका फॉर्मूला ही है पी का तो ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर फोर में जाएंगे एबनॉर्मल गेन इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट तो एबनॉर्मल गेन अगर आपको ध्यान है तो एबनॉर्मल गेन हम प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं तो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में प्रोसेस अकाउंट में तीसरा भी ऑप्शन प्रोसेस अकाउंट ही आ गया है तो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन में चेंज करता हूँ यहाँ पे तीसरा ऑप्शन समझो एग्जाम्पल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझो यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन दे लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जब पीडीएफ मिलेगा तब उसमें एडिट कर दूंगा तो एबनॉर्मल गेन जो है इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट तो एबनॉर्मल गेन जो है दैट विल बी डेबिटेड टू राइट आंसर फॉर दिस इज प्रोसेस अकाउंट तो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर लेना सेंड द पीडीएफ टू यू कंबाइंड उसमें गलती से राइट ऑप्शन है बिकॉज प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम एबनॉर्मल गेन को प्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप इफ द इनपुट इज फोर्टी यूनिट्स नॉर्मल लॉस इज थ्री यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड इट रिजल्ट इन ये सिनेरियो में 1000 यूनिट्स का गेन आएगा 1000 यूनिट्स का लॉस आएगा 1000 या 2000 यूनिट्स का लॉस आएगा 2000 यूनिट्स का गेन आएगा तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट बताया था हम पहले फॉर्मेट में प्रेजेंट करके देखेंगे फिर देखेंगे इनपुट लेस नॉर्मल लॉस तो क्या मिलता है एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक है इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करोगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट में से अगर एक्चुअल आउटपुट को माइनस करोगे तो फिर आंसर एबनॉर्मल लॉस गेन मिलता है यहां पे इनपुट कितना बोल रहा है इनपुट दिया है फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स नॉर्मल लॉस कितना दिया नॉर्मल लॉस दिया थ्री थाउजेंड यूनिट्स फोर्टी थाउजेंड में से थ्री थाउजेंड माइनस करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट विल भी थर्टी सेवन थाउजेंड यूनिट एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है थर्टी सिक्स थाउजेंड तो थर्टी सिक्स थाउजेंड अगर हम माइनस करेंगे तो डू रिमेंबर थर्टी सेवन माइनस थर्टी सिक्स किया तो वन थाउजेंड हमें पॉजिटिव आंसर आता है अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिला तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस और यही आंसर अगर आपको नेगेटिव मिला तो दैट इज एबनॉर्मल गेन पूरा सम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर है एक हजार का एबनॉर्मल लॉस तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन थाउजेंड यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस ठीक है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं और मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैक्सिमम थेरोटिकल बेस के साथ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लियर हो सके नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क डब्ल्यू आई पी सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू आई पी सर्टिफाइड ध्यान सेब आई पी सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ डब्लू आई पी सर्टिफाइड इज कॉल्ड एस तो उसको क्या बोला जाएगा कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है टोटल कॉस्ट जो भी आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट बोला जाएगा नोशनल प्रॉफिट अपेरेंट प्रॉफिट या बोथ ऑफ बोथ बी एंड सी तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी आपने देखा होगा नोशनल प्रॉफिट हमें मिलता है ठीक है तो मैंने आपको एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर डाला है नोशनल प्रॉफिट हमें मिलता है बैलेंसिंग फिगर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहेगा फिर हम नोशनल प्रॉफिट को परसेंटेज ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करके उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भेजते हैं कुछ पार्ट रिजर्व में भेजते हैं तो नोशनल प्रॉफिट को एक दूसरा नाम है याद रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपेरेंट प्रॉफिट नोशनल तो प्रॉफिट बोलो या एपेरेंट प्रॉफिट बोलो एक ही बात है तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ बी एंड सी क्वेश्चन नंबर सेवन द वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट तो जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है वो किस पे वैल्यू होता है मार्केट प्राइस कॉस्ट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस कॉस्ट और मार्केट प्राइस एवर इज मोर तो राइट आंसर इज कॉस्ट पे वैल्यू होता है गलती से भी कॉस्ट और मार्केट प्राइस एवर इज लेस पे टिक मार्क मत कर देना काफी गलत हो सकता है बिकॉज वो क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता पॉइंट नंबर एट देखते हैं द बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ट्रांसफर्ड टू तो दिस इज फ्रॉम द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो जो आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में बैलेंस आएगा वो कहां ट्रांसफर होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग पी एंड एल बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबाउ तो राइट आंसर इज वेरी सिंपल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर होगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं होगा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द बैलेंस ऑफ एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू तो जो भी आपका एब्नॉर्मल लॉस है जो हम प्रोसेस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस और जो वैल्यू होता है कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर जब हम एबनॉर्मल लॉस का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा नॉर्मल लॉस में एब्नॉर्मल गेन में प्रॉफिट एंड लॉस में या कॉस्टिंग एल में तो इसका भी राइट right आंसर है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ये एब्नॉर्मल लॉस का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होता है क्वेश्चन नंबर देखते हैं व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फोर्टी फाइव परसेंट तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी आपको मिला था तो अगर फोर्टी फाइव परसेंट है तो कितना ट्रांसफर होगा फुल अमाउंट वन थर्ड टू थर्ड या नील अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसका आंसर आना चाहिए वन थर्ड ट्रांसफर होगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपका आंसर ट्वेंटी फोर परसेंट तक आता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है रिजर्व में ट्रांसफर होता है अगर 25 परसेंट से लेके 49 परसेंट तक आपका आंसर आता है तो दैट विल बी वन थर्ड फिर वो फार्मूला से कैलकुलेट होता है वन थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड और अगर आपका आंसर 50 परसेंट से ऊपर जाता है तो फार्मूला सेम रहता है सिर्फ टू थर्ड का कैलकुलेशन हम अप्लाई कर लेते हैं तो दैट वॉज द राइट पॉइंट क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एबीसी लिमिटेड इज रुपीज टेन पर यूनिट इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज फोर पर यूनिट देन इट्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल भी तो पी वी आर का कैलकुलेशन पूछा है काफी सिंपल है कोई कैलकुलेट करने की आप भी आपको जरूरत नहीं सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है और व्हाट इज द फॉर्मुला ऑफ पी वी आर पी वी आर इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो योर पी वी आर विल भी देखो सिंपल है इसको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आएगा टेन वेरिएबल कॉस्ट कितना है फोर तो टेन माइनस फोर करे सिक्स अगर आप सिक्स को टेन से डिवाइड करोगे तो एक ही आंसर इधर सही है दैट इज सिक्सटी परसेंट तो आपका सिक्सटी परसेंट का पी आएगा बिकॉज पी हम परसेंटेज में ढूंढे सिक्स डिवाइड बाय टेन करोगे तो जीरो पॉइंट सिक्स आएगा इन टू हंड्रेड करेंगे तो सिक्सटी का आंसर आ जाएगा दैट इज द राइट आंसर सिक्सटी परसेंट ट्वेल्थ नंबर नॉर्मल लॉस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट या प्रोसेस अकाउंट तो आपने देखा ही होगा नॉर्मल लॉस एक टाइप का एक्सपेंस है हमारे लिए और जो एक्सपेंसिस का अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी द लेबर रेट स्टैंडर्ड इज डिसाइडेड बाय तो जो लेबर का जो स्टैंडर्ड होता है लेबर रेट का जो स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट डिसाइड करता है परचेज डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एच आर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है लेबर रेट का स्टैंडर्ड ठीक है लेबर रेट वेरियंस इज फेवरेबल लेबर रेट वेरियंस इज फेवरेबल सबसे पहले लेबर रेट क्या है एल आर वी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रेट है तो क्या लिखना है आपको एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच ठीक है तो आपको ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो ये क्या बोल रहा है फेवरेबल कब आएगा फेवरेबल कब आएगा जब एस आर टेन रहेगा हम जो एग्जाम्पल लेते हैं ए आर कितना रहेगा ए आर एट रहेगा अगर टेन माइस माइनस एट करोगे तो ही तो पॉजिटिव आएगा तो क्या बोल रहा है इन लोग एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट देखो ये एक्चुअल रेट मेरा है एट स्टैंडर्ड रेट मेरा है टेन मतलब ये सिचुएशन तो राइट right हो सकती है दूसरा देखते हैं एक्चुअल रेट इज हाइयर देन स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट अगर ज़्यादा रहा तो क्या पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव ही तो फेवरेबल होता है नहीं आएगा मतलब ये तो गलत हो गया एक्चुअल रेट इज़ लेस देन स्टैंडर्ड रेट तो एक्चुअल रेट इज लेस देन एक्चुअल रेट यहाँ पे एक्चुअल टाइम टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड नो बिल्कुल नहीं ये भी टाइम का तो इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है नन ऑफ द अबाव भी गया तो इसका राइट right आंसर क्या बना एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट तो कुछ क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल बेस पे आएंगे तो आपको कंसेप्ट ध्यान देना है कंसेप्ट अगर सही है तो एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व कर सकते हो देखो एमसीक्यूज तो पढ़ सकते हैं आप लोग मेरा मेन इंटेंशन क्या है आपको एम के बेसिस पे बाकी सारे कंसेप्ट को क्लियर करना ताकि पेपर में कोई भी तरीके का एम बने तो आपको सॉल्व करने के लिए काफी ईजी हो जाएगा अगला पॉइंट में जाएंगे तो इसका राइट right आंसर है एक्चुअल रेट इज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कॉस्ट लेजर कंटेंट्स स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट वेजेस कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री ओवर एड्ड्स कंट्रोल अकाउंट या ऑल ऑफ दई होप कि आपको इसका आंसर पता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स में सारे के सारे ही पॉइंट कवर होते हैं ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो दैट्स एड फ्रॉम टूडे सेशन काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और रेगुलर बेस पे आपको एग्जाम तक सारे एमसीक्यूज मिलेंगे ए टीकेटी के स्टूडेंट्स के लिए भी एमसीक्यूज मिलते रहेंगे तो दोनों आपको मिलते रहने वाला है साइमल्टेनियसली सेमेस्टर सिक्स के भी और सेमेस्टर फाइव जो ए टीकेटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एमसीक्यूज मिलेंगे अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से टेलीग्राम का चैनल जाउन ज्वाइन कर ले बिकॉज सारे पी डी एफ्स में कंबाइंड बना के वहीं पर शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको एग्जाम तक सारे पी डी एफ रहे आपके पास ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी हो जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगले बार मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर